अच्छा लोग हमारा सारा कुछ दे हम क्या क्या खिला रहे लव 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 ऋषि अरोड़ा जो जी ब्रो हम अपना कोई अभी हम एक्सपर्ट नहीं है लाइव करने में तो हम अपना सेटिंग वगैरह कर रहे थे उसमें टाइम लग गया हालांकि सिर्फ 6 मिनट लेट आए लेकिन सबसे पहले मुझे ये बता दो कि मैंने जुगाड़ जुगूड़ लगाए हैं ये आवाज़ वगैरह ठीक आ रही है स्क्रीन वगैरह ठीक आ रही है तो पहले ही बता दो नहीं तो फिर थोड़ी सी और सेटिंग करें श्रेयस वालिया हाय 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 आ गया आ गया हेलो 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 सब सब बढ़िया है ना ऑडियो एंड एवरीथिंग इज ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड जवा वदिया भाई शुक्र है हमारी ऑडियो अच्छी है क्योंकि पिछले पिछले ब्लॉग पिछले लाइव में हमारी ऑडियो अच्छी नहीं थी लव फ्रॉम नेपाल लव फ्रॉम नेपाल ओके आजो 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 386 क्या काम कर रहे हो तुम हाँ लाइक विल टेक ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो हमने हैश आस्क ऋषि से लिए हैं तो हमने एक सारा पिछले 2-3 व्लॉग से आप देखते आ रहे हो कि हमने हैश आस्क ऋषि से क्वेश्चन ले रहे थे वो सारे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं मैं लाइन वाइज सारे क्वेश्चन का हम दोनों मिलकर आंसर दे देंगे सत श्रीकाल वीरे सत श्रीकाल सत श्रीकाल सत श्रीकाल हाय जी कैसे हो जनाब ऑल गुड ब्रो ऑल गुड रियल में क्या हाल है ना वो आपको कल वाले व्लॉग में देखने को मिलेंगे कि अभी हुआ क्या था रियल में क्या हाल है कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 50 के सब्सक्राइबर थैंक्स ब्रो थैंक्स अ लॉट सरी भाभी क्या काम करती हैं विल आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन लेट द पीपल कम देन विल स्टार्ट सारे क्वेश्चन ना मैंने नीचे रखे हुए हैं आपके इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड अपनी सैलरी बताओ और क्या काम करते हो तुम कैप लुकिंग डॉप थैंक यू लास्ट टाइम सरी टुक माय नेम इस भाई आप ले लो मेरा नाम गौरव मी मुझे आपसे एक शिकायत है बोलो भाई क्या शिकायत है कैमरा नीचे करो अब ठीक है अच्छा हमारी हाइट छोटी ये बता रहे हो और क्या गलत टाइम पे आए हो कल मेरे पेपर है ब्रो विल नॉट टेक टू मच टाइम विल जस्ट टेक 25 मिनट्स मैक्सिमम 25 मैक्सिमम 25-30 मिनट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल कपड़े थैंक्स अ लॉट सरी जिन तक पूजा लग रही है फिर गाना सुनाओ दिन नहीं नहीं एक्चुअली मैं इसकी कैप से इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूँ तो मैंने सोचा कि अगर लाइव आ रहे तो ना वी लाइक ऋषि तो मैंने इसकी कैप निकाली जैसे ये 5 कैप एक्स्ट्रा लाए ना उनमें से एक मैंने मार ली है लव यू वीरे एकदम कैंट होंगे हाँ एंड कंग्रेट्स फॉर 50 के थैंक यू ब्रो बस विल जस्ट ट्राई टू बी एज रियल एज पॉसिबल एंड वो बस कैंट अपने आप बन जाते आप बंदे ही कैंट हाँ आप रियली शो करीदा चलो लाइक राइट नाउ वी आर हैविंग नियर अबाउट 600 पीपल लाइक 593 इज द एग्जैक्ट नंबर सो आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस सबसे पहला क्वेश्चन आपके मम्मी पापा आपके साथ क्यों नहीं रहते मिसिंग योर मम इन योर व्लॉग्स ब्रो रीजन क्या है कि मोम करते हैं जॉब एंड पापा अपना काम करते हैं बिजनेस एंड सरी की यहाँ पे जॉब है एंड मेरा यहाँ पे काम है इस कारण वो मम्मा पापा साथ नहीं रह पा रहे लेकिन 2023 में मम्मा की रिटायरमेंट हो जानी है देन अपने मम्मा पापा को यहाँ पे ही ले आना है अगला क्वेश्चन आप डेली व्लॉगिंग क्यों नहीं करते शुड आई टेक द नेम्स आल्सो ऋषि धोरेल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऋषि धोरेल आप डेली व्लॉगिंग क्यों नहीं करते ब्रो डेली व्लॉगिंग का क्या सीन है कि अगर मेरे में प्रेशर आ जाएगा ना कि मैंने डेली व्लॉग डालना ही डालना है तो जो मेरी वो ऑन दी स्पॉट जो एक वो सेंस ऑफ ह्यूमर निकलती है जो क्रिएटिविटी निकलती है ना मेरी वो फुद्दू शहरी निकलती है वो मुझे लगता है कि मेरी नहीं निकलेगी बिकॉज वो एक प्रेशर आएगा कि भाई डालना ही डालना है जिसके कारण और भी बहुत सारे टास्क है जिनको कंप्लीट करना होता है जैसे वीकेंड हो गया हाँ, इनको मैनेज करना होता है तो उस चक्कर में क्या है कि लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि अल्टरनेटिव डेज पे 7 PM पे तो आएगा ही आएगा लेकिन जैसे हम कहीं घूमने गए जैसे हम दुबई गए थे देन वहाँ पे लगातार आए थे तो ऐसे कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा हो सके विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग टोपी पहनो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द कंटेंट आल्सो कि आपको व्लॉग देखने में मज़ा आना चाहिए
अगला क्वेश्चन प्रतीक वलेचा, फ्रॉम वेयर डिड यू गेट द आइडिया ऑफ प्रपोजिंग सरी दीदी फॉर मैरिज, इट वॉज जस्ट अमेजिंग ब्रो, दैट वॉज नॉट माई ओरिजिनल आइडिया. मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि आई हैव सीन सम वीडियो ना यूट्यूब, तो वहाँ से मैंने कुछ इंस्पिरेशन ली थी एंड देन बाकी आपको ने अपना मिर्च मसाला लगा दिया. मिर्च मसाला लगाने में तेज है, लाइक आई नो हाउ टू कॉपी. आप जॉब क्या करते हो सोर्स, आप जॉब क्या करते हो सोर्स ऑफ इनकम क्या है ब्रो? सी सरी अपनी जॉब करती है एंड क्या कहते हैं, सरी की बहुत ही फ्लेक्सिबल जॉब है. लाइक सरी डिड अ मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड देन इसको कुछ क्रिएटिव करना था, देन शी डिड फैशन स्टडीज एंड देन आफ्टर दैट इसकी जो जॉब लगी वो लाइक एक ब्रांड में लगी, देन फिर एक और ब्रांड में लगी. ब्रांड्स का नाम हम रिवील नहीं कर सकते बिकॉज वेरी ऑब्वियस रीजंस. एंड राइट नाउ जो सरी जॉब करती है वो करती है एज अ VM, लेकिन इसकी वर्क टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है. लाइक अगर ये अपना टाइम, अपना जो इसको काम देते हैं वो सबमिट कर दे, इसकी वर्क टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है. मेरा यहाँ की ऑडियंस को नहीं पता कि कुछ ऑडियंस को कि मेरा एक और चैनल है बी कैंड, जिसके 1 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर है. सो दैट इज़ लाइक अगेन आई कैन से कि दैट इज़ अ फुल टाइम स्टफ राइट. एंड ऑल्सो आई नो स्टॉक मार्केट ना, लाइक आई हैव बिट नॉलेज ऑफ अ स्टॉक मार्केट ऑल्सो, तो वो भी मैं पंगे लेता रहता हूँ. नॉट बिट, मुझे टेक्निकल एनालिसिस बहुत कैंट आती है. वो भी है ऑल्सो. आई एम राइट नाउ आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन वन मोर प्रोजेक्ट ऑल्सो विच इज़ अ सीक्रेट प्रोजेक्ट, लेकिन वो यूट्यूब से रिलेटेड नहीं है, दैट इज रिलेटिंग टू ब्लैक बिजनेस ओनली. जब सही टाइम आएगा देन आपको रिवील करेंगे कि वो प्रोजेक्ट कौन सा है. सो व्लॉगिंग, तो वीकेंड के साथ व्लॉगिंग के साथ शेयर मार्केट के साथ एक और चीज़ चल रही है. सो जो आप ये बोलते हो कि पैसा कहाँ से आ रहा है घूमने फिरने का, ये वो ब्रो, 19 साल की उम्र से मैं काम कर रहा हूँ. 19 साल की उम्र में मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया था राइट, वहाँ पे जाके 19 साल से ये इतनी मेहनत कर रहा है, लोगों को मतलब हर किसी को ऐसा दिखता है कि अरे अब ऋषि दिख रहा है, बट किसी को ये नहीं पता 19 साल से ये जो स्ट्रगल कर रहा है. मैंने देखा है इसको रात रात जाग, इतना पैशनेट है ये बता नहीं सकते बहुत ज़्यादा. सो वो सारा एक है, पूरी एक कहानी है कि हाउ द थिंग्स वेंट, क्या अप एंड डाउन आए, सारा कुछ एक कहानी है. लेकिन ये नहीं कि एकदम से सब कुछ हो गया. वही वाली बात. सो आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया एज ऑफ 19, वहाँ पे अपने बहुत रातें हमने काली की हैं है ना. देन आई केम बैक टू इंडिया, फिर यहाँ की अपनी एक कहानी है कैसे मैं शेयर मार्केट में गया, क्या क्या मैंने पापड़ बेले, हाउ द यूट्यूब केम है ना, एंड हाउ यूट्यूब गॉट सक्सेसफुल. इट्स एवरीथिंग हैज़ अ स्टोरी. अगला है एडिटिंग फील यूनिवर्स का. एक और रिक्वेस्ट मैं आपको करना चाहूँगा, लेकिन मुझे वैसे तो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन वो रिक्वेस्ट क्या है कि अपने जो आपका यूट्यूब का जो नेम आता है ना, जैसे इस भाई का नाम है फील यूनिवर्स, अपनी पर्सनल चॉइस है, कोई रखो मैं कुछ बोलने, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि आपका अपना पर्सनल नाम होना चाहिए. लाइक अगर मैं यहाँ पे कोई नाम बोलूँ तो कितना अच्छा लगेगा, फील यूनिवर्स, दैट इज ऑल्सो गुड नेम, लेकिन मेरी अपनी राय, गुस्सा नहीं मानना ठीक है. फील यूनिवर्स एडिटिंग कहाँ से सीखी आपने ब्रो? मैंने एडिटिंग सारी यूट्यूब से ही सीखी है, यूट्यूब पे सर्च मार के हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दिस. जैसे यूट्यूब पे हम सीख सीख के खाना बनाते. नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरज वर्मा भाई, ये बता दो कि बबिता जी क्या वेडिंग वाले व्लॉग में है के नहीं है? हाँ है, तभी तो वहाँ पे घोड़े पे चढ़ के ऋषि ने देखते. नेक्स्ट इज लव मैरिज, नेक्स्ट इज रुचि शाह, लव मैरिज के लिए घर वालों को भाई कैसे मनाया जाए सही तरीके से? ऋषि जी आप दोनों की जोड़ी भगवान हमेशा खुश रखे और आपका प्यार और ज़्यादा हो. आई लव बोथ ऑफ यू स्पेशली योर बॉन्डिंग. सो रुचि, घर वालों को मनाने का जो मैं अपना बता सकता हूँ कि मैंने क्या किया था. पहले तो मेरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड थी, तो मैंने धीरे धीरे क्ल्यू देने शुरू कर दिए थे कि हाँ ऐसा कुछ कहानी चल रही है. एंड मैंने सबसे पहले अपने ग्रैंडफादर को बताया था, क्योंकि मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल था. एंड दूसरा, एंड देन मेरे ग्रैंडफादर ने मम्मा को बताया, एंड मेरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा चिल्ड है. लेकिन सरी ने कैसे बताया, सरी को पूछो यार. सिंपल सी बात है, अपने पेरेंट्स के साथ बॉन्ड बनाओ ताकि वो तुम्हें समझ सके और आप उनको समझ सको. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनके साथ कैसे रहते हो. आप एकदम उन्हें झटका दोगे ना कि मैंने ना लड़का ढूंढ रखा, मैं शादी करनी है, वो कहे क्या. अगर हम उनको धीरे धीरे जैसे ऋषि बता रहे हैं उन्होंने अपनी फैमिली को ईज किया, वैसे करोगे तो मतलब ज़्यादा ईजी रहेगा हर चीज़ शेयर करने, क्योंकि सबकी स्टोरी अलग है. मैं बोलूँ मैंने क्या बताया था उसका कोई मतलब नहीं होगा. आपने कैसे अपने मम्मी पापा को कन्वे किया, क्योंकि किसी के मम्मी पापा गुस्से वाले होते हैं, किसी के प्यार वाले, तो वो आपके ऊपर है. बट बताओ ज़रूर उनसे शेयर.
और दूसरी चीज अपने जो आपका करियर, जो आप स्टडी कर रहे हो या आप जॉब कर रहे हो, आप उसमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए दोनों जने, सो दैट घर वालों को भी अगर आप बताओ तो उन्हें पता चले कि हाँ हमारे बच्चे मच्योर हो चुके हैं। तो एक सेंसिबल तरीके से बताओ, वो थोड़ा धमाका नहीं करना उन्हें लगे कि हमारे बच्चे दो मिलके एक अच्छी लाइफ स्मूथली कर सकते हैं। हालांकि हमारी इंटरकास्ट मैरिज है, बट स्टिल वी आर वेरी 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 थैंकफुल टू आवर फैमिलीज कि कोई हमारा इतना पंगा हुआ नहीं। नेक्स्ट इज वांट टू नो योर ईटिंग रूटीन फॉर अ डे एंड उल्टी कैप वाली स्टोरी। सो आई विल से द उल्टी कैप वाली स्टोरी। उल्टी कैप वाली स्टोरी में क्या है कि पहले मेरे यहाँ पे लड़कों के एम बन जाते हैं ना, एम मेरे बिल्कुल बहुत ही तगड़े वाला एम बन गया था। देन आई डिड अ हेयर वीविंग एंड आफ्टर हेयर वीविंग मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अपनी ऑडियंस से कुछ छुपा रहा हूँ, बी कैंड वाली ऑडियंस से कुछ छुपा रहा हूँ। देन मैंने सब कुछ उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बता दिया कि हाँ भाई दिस इज़ द रीज़न वाई मेरे जो रियल बाल जो मैंने हेयर वीविंग करवाई थी वो मेरे रियल बाल नहीं हैं, ये कहानी है सारी। एंड देन उनको मैंने बताया कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है एंड मुझे वीकेंड की ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा साथ दिया। एंड उसके बाद फिर जब हेयर ट्रांसप्लांट करवा लो उसके बाद बाल आने में टाइम लगता है, लेकिन मुझे वीडियोस भी बनानी थी, मुझे कुछ करना था, सो आई मेड माय ओन स्टाइल उल्टी टोपी स्टाइल। और वो उल्टी टोपी स्टाइल ही लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आने लग गया कि वो एक स्टाइल बन चुका हुआ है, अभी भी डिमांड आ रही है तो उल्टी टोपी। अच्छी लग रही है यार। आप क्या करते हो YouTube के अलावा? मैं बता चुका हूँ हाउ मच यू अर्न फ्रॉम दिस। भाई लड़की की एज और लड़के की कमाई कभी नहीं पूछते, स्पेशली जब मैं खड़ी हूँ तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी। पाजी $750 वाला पजामा दिखा दो, मीटअप कर दो चंडीगढ़ से, बाय द वे लव योर व्लॉग्स। ब्रो मीटअप का अभी मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन मैंने आपका क्वेश्चन पहले ही रखा हुआ था, तो $750 वाला ये पढ़ाइए ना, बहुत ही फनी है। लाइक अभी मैं पहन नहीं सकता बिकॉज अभी मैंने ये ना वायर्स वगैरह लगाई हुई है, तो सारा लाइव वगैरह वो हो जाएगा। ये है अभी तक की मेरी सबसे एक्सपेंसिव चीज जो मैंने बाय की है, $750 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है ना, मेहनत की कमाई। पता नहीं मैं क्या क्या खरीद लेती। आपका सोफा बेड का वीडियो कब आएगा? ब्रो बेड हमने ऑर्डर करने के लिए दे दिया, लाइक इट्स ऑलरेडी बन रहा है, एंड सोफा अभी नहीं दिया बिकॉज हम जो जिस शॉप पे दिया है पहले उसकी हम क्वालिटी वगैरह चेक करना चाहते थे कि वो सर्विस कैसे प्रोवाइड करता है, फिर आप उसके पास अगर उसने अच्छा बनाया तो उसी को ही हम सोफा दे देंगे। अब ये सारा कुछ एक ही वीडियो में आएगा, लाइक बेड जब बेड डिलीवर होगा बेड दिखा देंगे, जब सोफा डिलीवर होगा सोफा दिखा देंगे, उसके बाद जो हाउस टूर आएगा ना सारा वो सारा इकट्ठा ही आएगा, क्योंकि बार बार आता रहेगा तो You will get, वो सही नहीं रहेगा। भाई आपको व्लॉगिंग का नशा कैसे चढ़ा, कोई फेवरेट व्लॉगर है आपका? कंग्रेचुलेशन फॉर 50K सब्स भाई। ये है कौशिक शेट्टी का कमेंट, भाई व्लॉगिंग का नशा कैसे चढ़ा? अब मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ, अपने आप को एक एक्सपोज करता हूँ लाइव में, लाइक ये चीज कभी भी बाहर नहीं आई है, वो ये है कि जब मैंने वीकेंड स्टार्ट किया था, अगर आप वीकेंड की मेरी शुरू शुरू की वीडियोस देखो तो वहाँ पे मैंने चूड़धार की वीडियोस डाली हुई हैं, वहाँ पे मैंने ऋषिकेश की वीडियोस डाली हुई हैं, वहाँ पे मैंने खीर गंगा की वीडियोस डाली हुई हैं, एंड मैं अपनी जो उस वक्त मेरे पास एक्टिवा होती थी वो एक्टिवा बेच के मुझे गोप्रो चाहिए था, क्योंकि मुझे लेह लद्दाख की वीडियोस बनानी थी, और सरी उस वक्त भी हमारे साथ ही होती थी, तो तो मुझे लेह लद्दाख की वीडियोस बनानी थी, और लेह लद्दाख की वीडियोस के लिए गोप्रो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लाइक मैंने देखा गोप्रो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, मेरे पास गोप्रो लेने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन मुझे वीडियोस बनानी थी बिकॉज वो मेरे में एक कीड़ा था वीडियोस बनाने का, बैटरी कम हो गई मेरे में, वीडियोस था मेरे में लेना वो बैटरी करना हेडफोन उतार देंगे, मेरे में कीड़ा था वीडियोस बनाने का। एंड देन आई सोल्ड माई एक्टिवा, और उस 18,000 की एक्टिवा बिकी थी, 21,000 का गोप्रो आया था, एंड देन आई वेंट टू लेह लद्दाख, फिर मैंने लेह लद्दाख की वीडियोस बनाई, लेकिन उस वक्त लेह लद्दाख की वीडियोस में इतने ज़्यादा व्यूज़ वगैरह नहीं आए, एंड उस यानी कि पर वो बहुत एफर्ट था, बहुत तगड़ा था, तो यानी कि उस वक्त से ही मेरे में ब्लॉगिंग का कीड़ा है, लेकिन वो लाइक तुम कहते हैं ना हर चीज़ का एक राइट टाइम होता है, तो वो जो चीज़ तुम्हारी जब किस्मत में लिखी होती है वो तभी ही होती है। अगला है आफीज बानगर का, अस्सलाम वालेकुम, मैं कुछ पूछना नहीं पर हवा बताना ज़रूर है, जैसे कि आप व्लॉग में आते हैं मेरी खुशी, जैसे ही आपका व्लॉग आता है मेरी खुशी इतनी होती है कि घर में मेरी बहनों को बताती हूँ ऋषि अरोड़ा का व्लॉग आ गया।
अल्लाह पाक आप दोनों को बुरी नजरों से महफूज रखे, आमीन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। आपका यही प्यार मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है कि मैं कैसे अच्छे से अच्छे कैंट से कैंट ब्लॉग लेके आऊँ और आपको एंटरटेन कर पाऊँ। ब्लॉग ब्लॉग के साथ एंटरटेनमेंट, कि उस ब्लॉग में एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। कृष्णा राठी का, आई वॉन्ट टू से यू मेक ब्लॉग विद सरी दी, देन वाई यूर चैनल्स नेम डजंट इंक्लूड हर नेम, बताओ यार। मतलब ये क्वेश्चन तो है, बट इसका आंसर क्लियरली है कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ऋषि का ही चैनल रहेगा, एनी हाउ जो मर्जी हो जाए। बिकॉज यार ये इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, मैंने देखा है रात रात को जागना। अब देखो हम दुबई गए थे, वहाँ पे भी रात रात को ये जाग रहे थे, चार चार बजे सो रहे थे, सुबह 5 बजे सो रहे थे, उस सुबह उठना भी है 7 बजे, फिर जाना भी है, बट इतनी मेहनत की है इन्होंने। तो मुझे लगता है ये मेरा एफर्ट इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं, बट ये ऋषि का 100% एफर्ट है। तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ ऋषि के नाम से होना चाहिए। नहीं, ऐसा ऐसा भी नहीं है, लाइक शुरू ऋषि, अब चेंज करने का वो भी लाइक एक वो हो नहीं रहा है ना। ऋषि अरोड़ा से बनता आया है वो एक, और SEO के हिसाब से भी ऋषि अरोड़ा अगर सर्च मारो तो वो टॉप पे आता है चैनल। अगर हम यूट्यूब की एल्गोरिथम्स को भी देखें तो वो भी एक सही पॉइंट है। पार्ट आपको पता होगा, बट मेरे को है कि ये मेहनती बंदे का नाम इसके चैनल पे होना चाहिए। एंड रोहित चोपड़ा का क्वेश्चन है, बबीता जी ठीक है? बबीता जी बहुत ठीक है, मुझे क्या पता यार, मुझे बस नंबर नहीं है। उसे तो बड़ी बातें कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, आपका बिजनेस क्या है? ब्रो मैं बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन था अगम वर्मा का। सरी वर्क ऑलरेडी बता चुका हूँ भैया। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन? सी, आई डिड माय कॉलेज इन मेलबर्न, है ना, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया एंड आई डिड माय बिजनेस स्टडीज़ ओवर देयर। एंड सरी की क्वालिफिकेशन है, सरी ने मास्टर इन इकोनॉमिक्स की हुई है, साथ में फैशन डिज़ाइनिंग की हुई है, ये मेरे से ज़्यादा पढ़ी हुई है बीइंग फ्रैंकली। मैं हूँ बैक बेंचर्स, लेकिन खप जिन्नी मर्जी पवा लो अपने तो। ब्रो नेक्स्ट इज अपने भाइयों का चैनल, क्वेश्चन है उनका, भाई पूरी जर्नी बताओ यूट्यूब की जर्नी। ओके, पूरी जर्नी ब्रो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, वो ये है कि बीकैंड वाज नॉट माय फर्स्ट चैनल, बीकैंड वाज माय फोर्थ चैनल। पहले जो मैंने 3 चैनल बनाए थे वो काम नहीं किए, लाइक आई इन्वेस्टेड 8 months ऑन दोज 3 चैनल्स, लेकिन वो पहला नहीं चला, दूसरा नहीं चला, तीसरा नहीं चला, एंड देन द आइडिया ऑफ बी कैंड केम एंड देन आई न्यू लाइक हाउ टू एग्जीक्यूट इट। तो उस हिसाब से मैंने एग्जीक्यूट किया एंड बी कैंड में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, वो तो फाड़ 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 करके अपना यूट्यूब फैन पेज पहुंच गए। कहते हैं कि एक्सपीरियंस होती है सारी बातें। हाँ, लाइक बी कैंड इज नॉट माई फर्स्ट चैनल, बी कैंड इज माई फोर्थ चैनल, पहले 3 नहीं काम किए थे, ये 8 महीने लग गए थे। ऑस्ट्रेलिया से क्यों वापस आ गए? फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, आप सर्च करें आपको व्हाई आई लेफ्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ऋषि अरोड़ा का मिल जाएगी। सबसे बड़ी गलती जिसका अपने अगला है अनिमेश दत्ता, आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी लाइफ में जिसके लिए आपने अभी भी खर्प लगता है, मतलब कि रिग्रेट होता है? हाँ, ऐसी कौन सी गलती है जिसका मुझे अभी भी रिग्रेट होता है? कि छोटी उम्र में अगर मैं अपने बालों की केयर कर लेता तो आज इतने पंगे ना होते, मैं भी यार पफ लगा रहा होता। मैंने देखी है, पिक्चर्स देखी है, तो मेरे को ऐसा तो बहुत बहुत सुंदर बाल थे यार। लेकिन ऐसा कोई इतना तगड़ा, इतनी कोई तगड़ी बात हुई नहीं है लाइफ में जिसका मुझे अभी तक रिग्रेट हो। ओ हाँ, क्या बबीता जी फंस जाती। नेपाल आ जाओ, नेपाल आ जाओ पाजी, अजनेश लुनिया। ब्रो डेफिनेटली वी वांट टू विजिट नेपाल, डेफिनेटली। आप मुझे बताओ नेपाल पे शॉपिंग करने को बहुत कुछ मिलता है, आप मुझे देखने को बहुत कुछ है वहाँ पे, व्यूज बहुत अच्छे हैं, है ना। आप मुझे बताओ नेपाल आने का सही टाइम क्या है, लाइक राइट मंथ राइट वेदर, सो अपन नेपाल का प्रोग्राम बना लेंगे, कोई इशू नहीं। आई रियली वॉन्ट टू कम नेपाल। मी टू। ये why your parents do not live with you, इसका आंसर दे दिया भाई। फिरोजपुर को दो आना, माता श्री कोले। ब्रो फिरोजपुर हम आएंगे 9th of March, नहीं 9th को हम डायरेक्ट वहाँ जाएंगे, देन 9th, 10th, 11th को आएंगे। हाँ, एक बार 9th को आएंगे, देन 9th को फिर हम अबोहर जाएंगे, एंड देन टिल नहीं 11th को अबोहर रहेंगे, देन फिरोजपुर आ जाएंगे, फिर 14th को
तक फिरोजपुर रहेंगे, देन वापस आ जाएंगे। रिलेशनशिप नेक्स्ट है राज का, रिलेशनशिप बनाए रखने में इंपॉर्टेंस किसको देनी चाहिए, इंपॉर्टेंस किसको देनी चाहिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जो मुझे लगती है खुद को, तो चलो ठीक है, एक नहीं एक दूसरे में एक दूसरे को फ्रीडम देनी चाहिए, लाइक गिव ईच अदर, लाइक कई बार क्या होता है कि रिलेशन में बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं देना चाहिए, हाँ वही फ्रीडम, लाइक कई बार क्या होता है कि रिलेशन में बहुत ज्यादा पोजेसिवनेस हो जाती है, क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, खाना खाया, ये खाया, लाइक मैं और सरी पहले भी लाइक जब हाँ अनमैरिड थे तब भी फोन पे इतनी बात नहीं करते थे, एंड कोई इतना नहीं होता था हाँ खाना खा लिया उठ गया, सो फर्स्ट इज गिव ईच अदर स्पेस, जो उनका एक पर्सनल स्पेस होता है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एंड फिर अपने लिए सोच पाओ और वो अपने लिए सोच पाए, तो फील आता है कि हाँ यार, और उसी से ट्रस्ट बिल्ड होगा, लाइक उसी से बहुत अच्छा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, क्योंकि जब तुम्हें स्पेस दे दी तुमने, तुम्हें रियलाइज हो जाता है कि हाँ यार ये बंदा मेरी, पता चल रहा है कि ये बंदा जो आप उसको स्पेस दे रहे हो, तो उस क्या कर सकता? हाँ उस स्पेस के के कारण वो कहीं आपका ट्रस्ट नहीं ब्रेक कर रहा, ये भी पता चल सकता है। How do you overcome feeling that you have no hair, it's a hater, I'm also suffering from hair loss. Bro, like see my beak and mission statement is everyone is perfect, it's all about knowing your strength and weakness, और मैं वहाँ पे भी यही बोलता हूँ कि जो पहले तो हेयर लॉस होना कोई इतनी वीकनेस है नहीं, अगर आप छाती चौड़ी करके उसको एक्सेप्ट कर लो, इट्स ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग, ठीक है। अब मैं तो धड़ल्ले से बोलता हूँ, कोई है किसी में हिम्मत नहीं है कि मेरे मुंह में कोई मुझे बोल जाए, लाइक क्यों, क्योंकि उनको पता है यार ये लाइक मैं हूँ तो हूँ, क्या हो जाएगा इससे, मुझे वो सामने कोलाज लगा मैं फोटो दिखाना चाहती कि क्या बाल है उसमें वो किसी व्लॉग में दिखाएंगे। सो एक्सेप्ट एक्सेप्टेड, अगर उसका सलूशन है सलूशन निकालो, नहीं तो क्या मेरे जुबान फिसल गई, धड़ल्ले से छाती चौड़ी करके, अरे जैसे वो सही हो यार, नहीं तो वो पंजाबी बात तेरी। काव्या भाटिया, ऋषि यू आर डूइंग गुड ऑन योर व्लॉगिंग चैनल, आई वॉच योर व्लॉग्स, दे आर डैम गुड, और आपका डायलॉग वो किद्दा कैंट हो सारे, इट्स अमेजिंग। गैस यही है कि आप कितने रिलेशनशिप में रहे हो, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम पानीपत। काव्या थैंक्स फॉर सच अ गुड कॉम्प्लीमेंट, एंड लाइक मुझे जो मेरे व्लॉगिंग पे कॉम्प्लीमेंट आता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज व्लॉगिंग इज ऑल अबाउट जैसा मैं रियल में हूँ, जैसा अपने दोस्तों के साथ हूँ, जैसा हंसी मजाक चलता रहता है, मैं जस्ट कैमरा उठाता हूँ और हंसता खेलता रहता हूँ, और वो व्लॉग बन जाता है, दिस इज मी। एंड कितने रिलेशन में रहे हो, मैं जाऊँ? नहीं नहीं, वो काव्या जब आप मीटअप पे आएंगे तब आपको बताएंगे। निखिल शर्मा, इतना लंबा रिलेशनशिप किद्दा मेंटेन किता, आई विल से द होल क्रेडिट गोज टू सरी, होल क्रेडिट गोज टू सरी कि इतना लंबा रिलेशन कैसे मेंटेन हुआ, हालांकि अप एंड डाउन बहुत आते हैं, बहुत अप एंड डाउन आते हैं, सबके आते हैं, हमारे भी आते हैं, हम अभी भी लड़ते हैं, लेकिन यू जस्ट हैव टू रियलाइज कि हाँ यार ये होता रहेगा, तुम्हें बस उस लड़ाई को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, क्योंकि जो ऊपर प्यार है या ऊपर जो ट्रस्ट है एक दूसरे के साथ रहने वो है, मतलब कि एक दूसरे के साथ रहना पसंद है, उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एज कम्पेयर टू वो एक लड़ाई, क्योंकि तुम्हें एट दी एंड पता ही है ना सॉल्व हो ही जाना है ना, मुझे पता है कि एट दी एंड साली मैंने ही सॉरी बोलनी है तो पहले ऐसा कब हुआ तो नहीं, एक और चीज़ है मेन जो मुझे लगता है कि आप मतलब एक दूसरे को समझो, जब समझोगे ना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे होते, जरूरी नहीं वो एक दूसरे के लिए ही बने होते, ऐसा भी होता है बहुत से केसेस में, कई सिर्फ बस कि हाँ चलो 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 बन जाते गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ऐसा हो जाता है, नहीं समझे पोगो देखो। नेक्स्ट इज जतिन हीर का, पाजी थोड़ा निक नेम किया ब्रो, मेरा कोई ऐसा निक नेम है नहीं, नो नोबडी कॉल्स मी रिशा, रिशा ना दादी जी बोलते थे मेरा ऋषा, ऐसा लाइक निक नेम, लाइक मेरा निक नेम यारों दोस्तों ने कभी नहीं डाला, हाँ लाइक मुनी मुनी कहते थे, ऋषि मुनि, तो मुझे याद है कि मुझे एक दो दोस्त मुझे मुनी मुनी कहते थे, जो मैं बुलाती हूँ वो तो सरी तो बुलाती है मोटा पुच्चू, दो जो दो दो नाम से बुलाती है, पुट्टू बोलने लगा था, मोटू और पुच्चू। अर्पण रॉय, हाउ टू नो दैट शी इज योर परफेक्ट, ही और शी इज योर परफेक्ट लाइफ पार्टनर, ब्रो ये जब आपके फेस पे अपने आप स्माइल रहेगी, आप सॉर्टेड रहोगे ना लाइफ में, जब आपको लगेगा कि हाँ मेरी लाइफ में ना अब खलबली नहीं है, तब आपको पता चल जाएगा कि आप क्या राइट बंदा है,
एंड यू गेट ओके वाइब्स चेंज हो जाएंगे. हाँ यू गेट दैट फीलिंग. हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना उसमें बहुत तगड़ी पावर होती है. जो हमारी गट फीलिंग होती है ना उसमें बहुत तगड़ी पावर होती है. हमारे ह्यूमंस के अंदर ये सुपर पावर है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, हम उस सुपर पावर की सुनते नहीं है, उसको डिनाई कर देते हैं. नहीं ऐसा नहीं है. अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये सही है, लाइक गो विद दैट सुपर पावर एंड देन अगेन बी, मतलब कि उसको टाइम दो. टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मतलब कि हड़बड़ी में कोई डिसीजन मत लो भाई. मीटअप रखो, करो, हमें मिलना है आपसे. लव यू बोथ रीशेन सरी. यश, यश का ये है ब्रो. मीटअप का अभी मैं कुछ इतना खास बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन विल प्लान इट वेरी सून. वेरी वेरी सून विल प्लान मीटअप इधर इन चंडीगढ़ और दिल्ली. क्वेश्चन लोड हो रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन उठा लेते हैं. हाउ मच टाइम यू स्पेंड इन व्लॉगिंग? व्लॉगिंग का कोई ऐसा सीन नहीं है कि मैं कुछ टाइम स्पेंड करता हूँ. इट्स जस्ट कि थोड़ा सा प्लान होता है कि अगर कोई स्पेशल ट्रिप लगाने जाना है वही प्लान होता है. वरना रोज वैसे ही शरारतें करनी है तो वो कैमरे पे कर लो, दैट्स इट. घर लव मैरिज के लिए घर वालों को भाई कैसे बनाया सही तरीके से? ऋषि जी, आप दोनों की जोड़ी भगवान हमेशा खुश रखे, आपको प्यार और ज़्यादा हो. अगेन रुचि शाह, ये हो गया क्वेश्चन. हाउ मेनी गर्लफ्रेंड डिड यू हैड इन योर लाइफ? आई वांट टू स्किप दैट क्वेश्चन. व्हाट्स योर फैमिली आयुष बब्बर, व्हाट्स योर फैमिली बिजनेस? ये पिताश्री आंसर करेंगे. व्हाट्स लाइक आई वांट फादर साहब टू आंसर दिस क्वेश्चन. एंड कार्तिक सूद सर, आपके व्लॉग्स बहुत ही कैंट और माइंड फ्रेशिंग होते हैं भाई. आपने और बी कैंट और व्लॉगिंग चैनल को स्टार्ट करने का मन कैसे बनाया और क्या क्या थॉट्स मन में आए? और एक क्वेश्चन कि आपका बर्थडे कब आता है? ब्रो थैंक्स कि हमारे व्लॉग्स देख के आपका माइंड रिफ्रेशिंग हो जाता है. यही एक मोटो है व्लॉग स्टार्ट करने का, कि कैसे एक लाइक तुम अपने प्रॉब्लम हमारी लाइफ में भी हैं, प्रॉब्लम्स अप एंड डाउन हमारी लाइफ में भी आते हैं, लेकिन स्टिल यू हैव टू बाउंस बैक. एंड दूसरा कि बर्थडे कब होता है? ब्रो मेरा बर्थडे होता है 22nd ऑफ अक्टूबर. आपका 1st ऑफ जैन. 22nd ऑफ अक्टूबर, 1st ऑफ जैन. हाँ, और मन कैसे बनाया? ब्रो मैं ऑलरेडी इसका क्वेश्चन दे चुका हूँ कि मैं बी कैंड और व्लॉगिंग का मन कैसे हुआ. मेरा व्लॉगिंग का कीड़ा मेरे में शुरू से ही था. आप ये बताओ कि क्या कभी आपने लड़ाई की है किसी बंदे से, लड़ाई इन द सेम फिजिकल फाइट? हाँ ब्रो, लाइक मेरी जो अगर मैं लड़ाई बोलूँ तो लास्ट लड़ाई मेरी अगर मैं जो मुझे याद आ रही है ना वो आ रही है मेरी ऑस्ट्रेलिया में हुई थी. हमारे साथ मैकडोनल्ड में एक लड़का काम करता था, ऐसे से उसका नाम था सतविंदर करके, हमारे पंजाब का ही लड़का था. सो पता नहीं क्या हुआ था उसमें, मैंने उसको अब्यूज़ कर दिया था. एंड देन जो क्रू रूम होता है ना, क्रू रूम, हम क्रू रूम में, वो उसकी जब शिफ्ट खत्म हुई एंड क्रू रूम में हम एक दूसरे को मुक्के मार रहे थे, एंड देन ऊपर से हमारे मैनेजर वगैरह आ गए थे. ये है उससे पीछे की लड़ाई अगर मुझे याद आ रही है तो याद आ रही है मुझे प्लस वन या प्लस टू की. उसमें तो भाई मैं दोस्त इकट्ठे करके लेके गया था, ट्यूबे टब्बे लेके गया था मारने के लिए. यंगस्टर वो बातें हैं, उस वक्त गर्म खून होता है ना, हम सियाने नहीं होते. आप और सरी मैम कहाँ मिले थे फर्स्ट टाइम? सेक्टर 35. ये पिंकी सिंह के क्वेश्चंस हैं. सेक्टर 11 सॉरी. सरी मैम का ड्रीम जो, सरी मैम का ड्रीम क्या है जो अभी पूरा नहीं हुआ है? सारे ड्रीम धीरे 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 पूरे हो जाते हैं क्योंकि वो परमात्मा बैठा ना. और सरी सरी लाइफ अपने पैसों से. हाँ. अपनी कार लेनी अपने पैसों से, किसी से नहीं, खुद के पैसों से. एंड फैमिली में कितने लोग हैं? फादर मदर ब्रदर मी एंड सरी एंड मोमा. सरी जॉब क्यों नहीं करती? बस मेरा क्वेश्चन इतना ही था. हम बता चुके हैं कि सरी जॉब क्या करती है. भाई तेरे और सरी के बोर्ड में परसेंटेज बताओगे? भाई तेरे सरी के कितने? ओके मेरे बोर्ड में परसेंटेज मुझे याद नहीं है. लाइक टेंथ में मेरे आई थिंक 77% थे. प्लस वन में तो मैं बिगड़ गया था, एंड प्लस टू में मेरे थे अराउंड 65 आई थिंक. नॉन मेडिकल था मेरा. एंड आपके?
मेरे 70s की लाइन में थे, क्योंकि 10th में थे 75 74 कुछ ऐसे थे, और 12th में मेरे थोड़े कम आ गए थे 71 ऐसा 71, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में थी तो मैं स्पोर्ट्स खेलती थी, तो मैं बस फिर ऐसा ही भाई बबीता जी का फोटो दिखाओ भाई, भाई ये कभी भी नहीं देखे दिखेगा यार। नेक्स्ट कार ज्यादा हो रहा है। अंकित चौधरी, नेक्स्ट कार कौन सी लेने वाले हो ब्रो? नेक्स्ट कार का अभी कुछ ऐसा सोचा नहीं है, बिकॉज अभी मैंने जैसे बताया कि मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, दैट इज़ अगेन रिलेटिंग टू द बिजनेस ओनली, एंड मैं उस जो पैसा है उसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, बिकॉज बिजनेस खड़ा हो जाए तो कारें कूरे तो ऐसे ही आ जानी है। लेकिन हाँ, इतना श्योरिटी है कि अगर ऐसे ही प्यार, जितना आप प्यार दे रहे हो और भगवान की दया से ऐसे ही अगर आगे बढ़ते रहे, तो इससे जो अपग्रेड करेंगे वो SUV में ही करेंगे। लाइक ये नहीं है कि मैं i20 से या वरना में आ जाऊँगा, ऐसा नहीं है। मैं लाइक मेरा मन है कि अगर मैं इससे अपग्रेड करूं तो SUV वगैरह ही लूं। बाकी देखो जो किस्मत में होगा वो मिल जाएगी, ऐसा कोई अभी अभी इतना फाइनल नहीं किया है, बिकॉज राइट नाउ आई वांट टू फोकस ऑन अ ब्लॉगिंग चैनल, बी कैंड एंड अ बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन अब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ज़्यादा। ऑलमोस्ट मतलब उनका मतलब वही है ऑलमोस्ट ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमन अमन जैन। वीरे यार आप प्लीज एक वीडियो बनाओ कि बचपन से लेकर अभी तक कंप्लीट स्टोरी ऑफ स्कूल कॉलेज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, योर कंप्लीट स्ट्रगल अप एंड डाउन कंप्लीट प्लीज इफ पॉसिबल। एंड यार अगर ना हो सके तो प्लीज कम से कम रिप्लाई कर देना, एंड कीप गोइंग ब्रो, कीप इट अप। थैंक्स अमन जैन फॉर कमेंट। अब पूरा अगर मैं स्टोरी की बात करूं, लाइक फ्रॉम लाइक मुझे लगता है कि जो मेरी रियल स्टोरी स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है +1 +2 से, कि कैसे हुआ, देन व्हाई आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, फिर मैं वापस कब आ गया, यहाँ पे आके क्या पापड़ बेले एंड क्या क्या हुआ है ना। पर आप बना सकते हो एक लाइक स्केच अपनी लाइफ पे। हाँ, विल मेक दिस वीडियो, लेकिन आई फील राइट नाउ इज नॉट द राइट टाइम टू मेक दैट वीडियो। हाँ ये होता है जब अपने ब्लॉगिंग चैनल पे 1 मिलियन हो जाए तो डेफिनेटली प्रोमिस हैंड शेक, 1 मिलियन पे ये ही वीडियो लेके आएंगे, पूरी लाइफ स्टोरी 1 मिलियन ऋषि अरोड़ा ब्लॉगिंग चैनल पे। अभी जर्नी अभी दिल्ली दूर है। हाँ आप दूसरे एक सवे सवे बुरी बात क्या हैबिट बताओ। ओके, फ्रॉम खुशदीप इंसान, मुझे शरीर की सबसे बुरी हैबिट, शरीर की सबसे बुरी हैबिट बताऊं? हैं, बताओ। शरीर की सबसे बुरी तो नहीं कह सकता, सबसे बुरी तो नहीं कह सकता, लाइक फिर भी मुझे बुरी लगती है। हालांकि शरीक शरीक को है, क्लीनिनेस नहीं, वो शरीक शरीक को वो पसंद है जब ये हाथ से चावल खाती है, एक मुझे पसंद नहीं है। मुझे पता है किसी किसी कल्चर इतना में मतलब रेयर खाती है, इतना रेयर नहीं मुझे पसंद, इसमें क्या है। लाइक किसी किसी कल्चर में ऐसे ही कहता है, आई डोंट वॉन्ट टू लाइक मैं किसी कल्चर के जब ऋषि रात को 12 बजे 5 संतरे खाते हैं और कच 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 बंदा सो रहा है और साथ में क्या हो रही है, और वो 5 संतरे खत्म ही नहीं होते, यार मैं सोचती क्या यार। मैं आपको कहानी बताता हूँ, हुआ क्या, परसों मैं संतरे खा रहा था, ये इसी मुझे का नतीजा है ये जो मैं संतरे खा रहा था तो ना, ये मुझे बोले आराम से खाओ, आवाज आ रही है। लड़कियों के ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि तुम खाओ तो आवाज नहीं आनी मेरे चाहिए, को तो बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ज्यादा होती है, तकरीबन हर लड़की को ही होती मेरे है। को बहुत है। हाँ तो आवाज नहीं, मैंने क्या किया, मैंने मुंह में डाली 2 फाड़ियां, जान के इसके पास गया। मैं कहते हैं ना, लड़कियां बोलती ना मेरे पापा जैसा हो मेरा हस्बैंड, एक तो क्वालिटी मिलती मेरे पापा की, पापा भी ऐसे खाते जैसे ऋषि खाते हैं। ब्रो तेरे मुंह से इंग्लिश नहीं जचती। साहिल चौधरी, भाई अपने स्टडी कहाँ की थी, सरी भाभी ने कहाँ तक स्टडी करी है? भाई इसका आंसर दे चुके हैं। नेक्स्ट, आप दोनों की कास्ट सेम है या आप दोनों की इंटरकास्ट मैरिज है? ये क्वेश्चन है वंदना सिंह का। हमारी इंटरकास्ट मैरिज है, और लाइक हमारी दोनों की फैमिलीज ने हमें सपोर्ट भी किया है, एंड बस कास्ट सेम नहीं है और दोनों। सर आप सबसे वर्स्ट फाइट बताओ आपकी प्लीज, और उस फाइट से दोबारा सुलह कैसे हुई? ये क्वेश्चन है सच्ची दुनिया का। अगर मैं वर्स्ट फाइट बताऊं, मेरे हिसाब से जो सबसे वर्स्ट फाइट है ना, आपको अब एक और चीज़ में एक्सपोज करने जा रहा हूँ, जो हमारी जब बुर्ज अल अरब में गए थे ना दुबई, है
है ना, वहाँ पे भी हमारी फाइट हुई थी जो मुझे वर्स्ट लगती है सरी मुझे भी वर्स्ट लगती है आपको भी वर्स्ट लगती बहुत गंदी लगती है वो है सबसे वर्स्ट फाइट। एक बात है बट शाम तक एक दो घंटे के बाद हमने, हाँ हमारा ये रहता है कि हमने कभी भी एक रात भी नहीं डाली है, कभी कभी हाँ। एक रात डल गई होगी हाँ। भी रात को लड़ाई हुई तो एक रात डल गई, हमने ज्यादा डेज नहीं डाले कि हाँ यार तीन दिन दिन चार चार दिन बात ही नहीं, क्योंकि साला पता है एट द एंड बात होनी है, जा ही नहीं सकते। पाजी नेक्स्ट इंटरनेशनल नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवल डेस्टिनेशन बनाओ। ब्रो वी आर डिसाइडिंग ऑल्सो वेयर वी वांट टू प्लान, वेयर वी वांट टू गो एंड लाइक मे बी बाली एंड मे बी नेपाल या भूटान, मे बी नेपाल और भूटान एंड मे बी सिंगापुर, लाइक वी आर डिसाइडिंग राइट नाउ, वी आर डिसाइडिंग राइट नाउ। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा वर्मा, आप सरीदी के घर में इतना शर्माते क्यों हो? बहुत पता नहीं, मुझे भी नहीं पता क्यों, जबकि भैया भाभी सब मम्मी पापा सब इसको इतना अच्छे से बात करते हैं, पता नहीं क्या वहां पे। ब्रो ऐसा कुछ नहीं है, सी आई डोंट डू एनीथिंग फेक, जो मेरे रियल इमोशंस निकल रहे होते हैं मैं वैसा ही कर देता हूँ, आई डोंट डू एनीथिंग फेक। लेकिन ये होगा कि अगर हाँ मे बी ये भी हो सकता है इन फ्यूचर धीरे धीरे शर्माना कम हो जाए, तो जो रियल में होगा वो होगा, लाइक आई डोंट डू एनीथिंग फेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही विचित्र क्वेश्चन है, वो है वरिंदर कंबोज का, उसका उनका कहने का क्या मतलब है कि भाई आप कभी बिना क्लीन शेव भी हमारे सामने आओ, मेरे भाई बिना क्लीन शेव मैं वो लिखूंगा, क्या लिखूंगा, चूसा हुआ आम आम होता है ना, उसकी आम खा लो है ना, उसकी गुटली कैसी निकलती है वैसे निकलूंगा मैं अंदर से छुटका सा फेस है। व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द फर्स्ट फाइट आफ्टर मैरिज, क्या वट वॉज टॉपिक ऑफ फर्स्ट फाइट आफ्टर मैरिज? भाई हमारी हर लड़ाई का टॉपिक पता क्या है, अगर हमारी 100 लड़ाइयाँ हुई हैं, नहीं अगर हमारी 100 लड़ाइयाँ हुई हैं तो उसमें से 99 लड़ाइज का टॉपिक पता क्या है, तुम मुझे पैम्पर नहीं करते नहीं मेरे को होता है कि एक्सप्रेसिव, यू शुड बी एक्सप्रेसिव, कुछ भी हो रहा है तो एक्सप्रेसिव। हो गए सारे कंप्लीट? 37 मिनट्स हो गए हैं, हो गए अब थोड़े से यहाँ के दे दो। चलो जो क्वेश्चन हैश आस्क ऋषि से आए थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, अब यहाँ पे लाइव में अगर आपके कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। ऋषि है बबीता जी क्या सारी दी अभी गुस्से में है? हाँ मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि सर गुस्से में है, हाय 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 गर्लफ्रेंड है दूसरी ब्रो, अब तो ये क्वेश्चन पूछना ही जाए जाए ब्रो, ना नहीं कुछ अब नहीं कुछ हो सकता। भाई सहारनपुर कब आ रहे हो? सहारनपुर नोट आई नहीं, सहारनपुर कब आ रहे हो? सहारनपुर का यार कोई ऐसा प्लान नहीं है, सहारनपुर तो बहुत पास है, लेकिन बना लेंगे सहारनपुर का भी प्रोग्राम बना लेंगे एंड मेरा नाम ले लो भाई बबलू शेख, हाउ आर यू एंड बियर्ड पे वीडियोस बनाओ प्लीज ब्रो, बहुत वीडियोस मैं बना चुका हूँ बियर्ड पे एंड अनंतपुर साहिब कब आना है? वही लाइक अनंतपुर साहिब कब आना है हमने, हाँ हम आज बात ही कर रहे थे कि वो अनंतपुर साहिब में एक विरासत खालसा है, हमें अच्छा। बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप अनंतपुर साहिब जाओ तो विरासत खालसा ज़रूर जाओ, हालांकि उसके अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जाके वो चीज़ एक फील करने वाली है, उसमें हमारी सारी पंजाब की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, वो देखा होगा कोई बात नहीं। हेलो ऋषि सर मैम, ऋषि सर वी शेयर द सेम बर्थडे, सेम पिंच नहीं हाई फाई कितने का पेट्रोल यूज करते हो एक महीने में? बड़ो मैंने कभी, सच बताऊं भगवान ऐसे ही मतलब कि हाथ बनाए रखे, मैंने कभी नोट ही नहीं किया कि मैं अपनी गाड़ी में कितना कितने का डीजल डलवाता हूँ महीने में, बस ये है कि जब वो खाली हो जाती है मैं फिर दोबारा फुल करवा लेता हूँ, भगवान ऐसे ही रखे कान पकड़ के। एंड लाइफ में अगर चांस मिले तो यूट्यूबर के अलावा क्या बनना चाहोगे? नहीं यार मैं आई लाइक बीइंग अ यूट्यूबर, लाइक आई लाइक बीइंग अ यूट्यूबर, अगर मैं कुछ चाहता तो मैं यूट्यूबर ही बनना चाहता। हाँ आई लाइक बीइंग अ यूट्यूबर यार, मुझे लाइक मुझे इसमें जो क्रिएटिविटी निकलती है इसमें, हालांकि प्रेशर काफ़ी होता है लेकिन इसमें जो फ़न होता है, फ़न के साथ साथ काम होता है, वो मुझे पसंद है,
और अगर तुम सही लेवल पे पहुंच जाओ तो आई मस्ट से कि थोड़े पैसे भी अच्छे हैं। मेरा नाम ले लो प्लीज़, लव यू बोथ मानसीपाल, हाउ आर यू। एंड अभी 5 मिनट और चलेगा बिकॉज ऑलरेडी 40 मिनट्स हो चुके हैं एंड देन उसके बाद हम इसको एंड करेंगे। आई लव यू सो मच भैया एंड भाभी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वासु गुप्ता ब्रो, जलंधर कब आ रहे हो? ब्रो अभी परसों चौथे ही जलंधर गए थे एंड जलंधर अभी नेक्स्ट का तो कहीं से हाँ जलंधर हमने चिंतपूर्णी माता जाना है बिकॉज मम्मा ने वो भी बोला है, तो जब चिंतपूर्णी माता जाएंगे तो फिरोजपुर से जाना है क्योंकि मम्मा को भी साथ लेके जाना है, तो वाया जलंधर ही जाएंगे। दुबई ट्रिप में कितना लगा? बहुत अच्छा लगा। इफाल से मुझे क्या पता क्योंकि मैंने तो कोई बिल पे ही नहीं किया। एक i10 आ जानी थी। सलाम ब्रदर फ्रॉम कराची, सलाम ब्रो। मंथली इनकम, ब्रो मंथली इनकम यार यूट्यूबर्स का क्या होता है कि मंथली इनकम कोई फिक्स नहीं होती। जैसे एक सैलरी आती है, सैलरी तो पता ही है कि इतने पैसे आने ही आने हैं। यूट्यूबर्स की लाइफ में वो बिजनेस में ये कोई फिक्स नहीं होता कि तुम्हारी मंथली इनकम इतनी आएगी। कई बार बहुत अच्छी आ जाती है और कई बार कुछ भी नहीं आता। LOA सर प्लीज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पूजा शाह लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर सर ही बोलेगी। यार ये बहुत वास्ट वाला टॉपिक है, यहाँ पे ऐसे कंप्लीट नहीं होता, 5 मिनट की गेम नहीं है, जिंदगी की गेम है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बस फील द मोमेंट एंड एंजॉय द लाइफ। ओके, वी विल मेक अ स्पेशल वीडियो ऑन अ ऋषि अरोड़ा व्लॉगिंग चैनल ओनली ऑन अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लाइक क्योंकि ऐसा लगता है कि ये एक लोगों की हेल्प कर देती है। मतलब मेरे को भी जब मैं MA कर रही थी तो मैं कर रही थी, ठीक है, क्योंकि मेरे इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स आ गए, तो मेरे भाई ने मुझे धक्का दे दिया, जा तू MA इकोनॉमिक्स ही कर क्योंकि तेरे को पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। बट मैंने ले लिया, मैं पढ़ भी रही थी, मार्क्स भी ठीक ठाक आ रहे थे, बट मैं सेटिस्फाई नहीं थी। फिर मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे भाई ने ही दी मुझे, और फिर वो मैंने देखी और फिर मेरा एकदम से हुआ कि मुझे करना ही करना है। तो फिर वो फील आया, वो मैंने स्टेप लिया, मतलब बड़ी सारी चीज़ें कनेक्टेड है इससे। तो मतलब मैं बोलने लगूँगी तो ख़त्म हो जाएगा पूरा सेशन। बहुत सो विल मेक अ डिफरेंट वीडियो, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे किसी ना किसी वीडियो में, ब्लॉगिंग चैनल में ही, इसी चैनल पे आप एक स्पेशल वीडियो डालेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। तो मेरा तो बहुत मन है कि मैं आपसे बातें मारता ही रहूं। यमुनानगर सहारनपुर आएंगे तो यमुनानगर भी बीच में क्रॉस कर लेंगे। एंड तो ये था अपना आज का व्लॉग, थैंक यू, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरे लाइव में इतने ज़्यादा लोग आए हों, मैंने 1000 से ऊपर जाते हुए नंबर देखा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बहुत, मतलब कि 1000 लोग तुम्हें देखो, वाओ। थैंक यू यार इतना प्यार देने के लिए, आपका प्यार ही मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कि मुझे और भी अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आना है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, और वो कंटेंट क्रिस्प लेके आना है। तो उसके चक्कर में चलता रहेगा, बस प्यार देते रहना, हम मेहनत करते रहेंगे और आपका शरारतें करते रहेंगे, बिकॉज खप पानी ही पैनी है। तो ये था अपना आज का लाइव पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, बाकी कमेंट भी कर देना, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं कल वाले व्लॉग में, कल व्लॉग आएगा शाम को 7 बजे कि इस लाइव से पहले क्या हुआ था। बाय, कल शाम को 7 बजे व्लॉग में मिलेंगे। भाई कब आ रहे हो चिंतपूर्णी? भाई चिंतपूर्णी आने का भी फाइनल नहीं है, मे बी आफ्टर होली फॉर श्योर। बाय 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 बाय, लव यू 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 अ लॉट, थैंक्स फॉर गिविंग अस सो मच लव। जब मैं एक और बात, मेरा बहुत मन करता है यार। एक और बात, जब मेरे पहले 3 चैनल फेल हुए थे, वीक एंड मेरा चौथा चैनल था, ऋषि अरोड़ा 5वां चैनल है, तो मैं कभी सपना देखता था कि जैसे लोगों को ऑडियंस उनकी प्यार करती है, इतने बड़े बड़े कमेंट करती है, तो मुझे होता था कि यार मेरा भी कभी दिन आएगा कि मुझे भी मेरी ऑडियंस इतना प्यार और कमेंट करेगी, और आज वो दिन आया हुआ है। आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू यू, बस यही बताना था। बाय 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 बाय। कहाँ से हैंड होगा, हैंड कहाँ से होगा? आया था ऑप्शन।